इंदौर में पुलिस के लाख कोशिशों के बावजूद भी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि वहीं देर रात अपने परिवार के साथ घर के बाहर बैठी महिला पर अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाकर उसे घायल कर दिया और फरार हो गए। फिलहाल महिला को इलाज के लिए अम्बा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र स्थित अपने परिवार के साथ घर के बाहर बैठे 30 वर्षीय महिला पर अचानक से गोली आकर महिला के हाथ में लगी। पहले तो महिला को लगा कि कोई पत्थर सड़क पर से उछलकर उसे लगा है, लेकिन जब महिला ने अपना दुपट्टा हटाकर देखा तो उसके गोली आकर हाथों में लगी दिखाई दी, जिससे तुरंत महिला अपने परिजनों को उसने बताया। सीधे इलाज के लिए उसे अम्बा अस्पताल पहुंचे लेकर, जहां पर पुलिस को भी पूरे मामले में सूचना दी गई, जिसके बाद आजाद नगर CSP मोती उर रहमान सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। वहीं CSP मोती उर रहमान का कहना है कि महिला के हाथ में गोली लगी हुई है और गोली कहां से और किसने चलाई है जांच का विषय है और आरोपी की तलाश की जा रही है। फिलहाल पूरे ही मामले में महिला के कहे अनुसार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। कुछ भी नहीं, हम लोग सब बाहर बैठते हैं डेली यूज में, तो आज भी बैठे थे तो अचानक मुझे लगा किसी ने पत्थर मारा, तो बाद में मेरे दुपट्टे में से गोली निकली। कौन लोग थे ये, किसका विवाद? कुछ भी नहीं देखा हमने। कहाँ की घटना है ये? वो कौन सी हुसैनी मस्जिद के वहाँ आजाद नगर। तो आप लोग बैठे थे तो कोई लड़ाई कर रहे थे इसके अंदर? हमने कुछ भी नहीं देखा, बहुत दूर से गोली आई थी। तो आपको गोली लगी है? हाँ। क्या नाम है आपका? आफिया। सर, आजाद नगर थाना क्षेत्र में होली की सूचना, सर क्या ये हमें डायल 100 पे एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर गोली चली है, तो उसी सूचना पे हम आए हैं। यहाँ पे एक महिला को भी गोली लगी, जिसे हम MY हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए हम लोग भिजवा चुके हैं और जिसने गोली चलाई उसकी तलाश कर रही है पुलिस। सर, कौन लोग थे जिन्होंने गोली चलाई? अभी तो बहुत जल्दी हो जाएगा बताना, पहले तो थोड़ा पता करना होगा कि किसने चलाई है, उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद बता रहे। विवाद का कारण क्या रहा? देखिए, अभी जो है अभी थोड़ा अनुसंधान में है, अभी जब सब कुछ पता चल जाएगा तब हम आपको सब कुछ बता पाएंगे। सर, कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें एक महिला घायल है। सर, कितने राउंड फायर करे अभी? जो ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।